सवेरे सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पिए। कभी भी सवेरे सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पिए, माने दिन की शुरुआत पानी से करें। पानी गर्म के खत्म, मैं बता रहा हूं, दिन की शुरुआत पानी से करें, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पिए। स्वामी रामदेव जी इसी सूत्र को दूसरी भाषा में कहते हैं उषा पान करें। उषा पान का मतलब ही है कि सुबह 4 बजे के आसपास उठना और उठते ही पानी पीना, दांत नहीं साफ करना, मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, पहले पानी पीना। दांत ही साफ करने हैं तो रात को साफ करके सोए, कुल्ला करना है तो रात को कुल्ला करके सोए, सुबह उठते ही पानी पिए। क्यों पीना है? दो कारण। पहला कारण है रात भर आप सो गए तो मुंह में लार बन गई, वो इकट्ठी हो गई दोनों तरफ, भरपूर मात्रा में इकट्ठी हो गई। अब आप उठते ही पानी पी लेंगे तो सब अंदर जाएगी, और दांत साफ करने लगेंगे तो ये सब बाहर निकल जाएगी, थूकना पड़ेगा आपको। इसलिए उठते ही दांत साफ नहीं करना, मुंह नहीं धोना, पहले पानी पी लेना ताकि सब लार अंदर चली जाए। सुबह की लार जो है ना बहुत एल्केलाइन है, बहुत ज्यादा। सुबह की लार का मैंने पीएच निकाला तो 8.4 के आसपास, इतना एल्केलाइन है। और ये इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली है सुबह की लार कि कहीं भी आप इसको अप्लाई करिए इसके मेडिसिनल रिजल्ट है। बहुत लोगों को आज के जमाने में खास खास बीमारियां हैं, जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना। अगर किसी को भी ये बीमारी है तो उनको आप बोलिए सुबह सुबह की लार हाथ में लगा के ऐसे मालिश करना हल्के हल्के, 3-4 महीने करा दीजिए, डार्क सर्कल निकल जाते हैं। किसी को आंखों में चश्मा है और वो हटाना चाहते हैं तो सुबह की लार को आंखों में लगाइए काजल की तरह से, आपका चश्मा उतर जाए। क्योंकि चश्मा आंख में लगता ही तब है जब आंख के लिक्विड की एसिडिटी बढ़ी हुई है, और ये लार एल्केलाइन है, ये एसिडिटी को ऐसे ही कंट्रोल कर लेता है, चश्मा उतार देता। सुबह की लार का और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, शरीर में कहीं चोट लग गई है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, आप सुबह की लार उस पर अप्लाई कर दो, ठीक कर देता। और कई तरह से इसका उपयोग होता है, जैसे किसी को कील मुहासे हो जाए, पिंपल्स हो जाए और बहुत खराब चेहरा हो जाए, उनको कहिए सुबह की लार लगा के मालिश करो, कील मुहासे का दाग भी मिटा देती है। मैंने जले हुए का दाग मिटाया है, समय लगता है 3 साल। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको हाथ जल गया था, दूध, गर्म दूध से हाथ जल गया था, तो ठीक हो गया लेकिन निशान नहीं मिट रहा था। और उस पेशेंट, वो पेशेंट को जरूरी था कि वो निशान मिटना ही चाहिए। वो पेशेंट एक लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके घर वाले सब परेशान थे कि ससुराल वालों ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप बता दो उनको। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें बताना नहीं। तो मैंने कहा सुबह की लार लगा लो, ठीक कर देगा। हाँ ठीक कर देगा, मैंने कहा कर देगा, इसमें मुफ्त का है, कुछ भी खर्चा नहीं, टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, आप कर लो इसको। तो उसने किया, नियमित रूप से किया, 7 से 8 महीने में जले हुए का सारा निशान मिट गया, स्किन एकदम नॉर्मल हो गई। आपको कभी देखने में आया है कि जानवरों को जब भी चोट लगती है वो चाटने लगते हैं अपनी चोट को और चाट के ही ठीक कर लेते हैं? तो जानवरों का भी यही कहानी है जो मनुष्य का है। जानवरों की लार भी एल्केलाइन है, क्षारीय है, और चोट को चाट कर वो ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। गाय अपने बच्चे को चाट चाट कर उसकी सारी बीमारी मिटा देती है, मनुष्य भी कर सकता है, बस इसमें थोड़ा सेंसिबल होने की जरूरत है।